तो देखो, मैं मेन मेन पॉइंट पे बात करूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि कम्युनिकेशन मतलब सबको मालूम है, इंफॉर्मेशन पहुंचाना। इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाना, मान लो मैं हिंदी बोलता हूँ तो हिंदी में इंफॉर्मेशन सामने वाला अगर समझता है तो वो, है ना, पहले समझ में आ गया मेरे ख्याल से, जिस लैंग्वेज में जो समझना चाहता वो इंफॉर्मेशन उसको पहुंचाना, है ना। तो आपको मालूम है काफी डेवलपमेंट अभी तो हो ही चुका है। पहले तो पुराने जमाने में तो पहले कबूतर, है ना, उसके थ्रू होता था, पिजन्स के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ करते थे, लेटर्स जाया करते थे, या जो घुड़सवार होते थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते थे। लेकिन अब तो जहाँ बैठे वहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है अपने को। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये अल्टीमेटली, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है, अभी की अगर इंफॉर्मेशन की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। अब क्या होता, जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी एनर्जी दरअसल कम है, इस एनर्जी को मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता, इवन मैं 1 किलोमीटर तक भी नहीं पहुंचा सकता। तो बीच में और भी डिवाइसेस यूज करते हैं जिनके थ्रू इस मेरी वॉइस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ कुछ चीजें देखी गई कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहुंचाना है तो होता क्या है कि एक एंटीना होता है, एंटीना के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहुंचाया जाता है। लेकिन इसमें भी हम तीन तरह के मोड की बात करते हैं, मतलब तीन तरह से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहुंचाया जा सकता है। एक होता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, दूसरा होता है स्काई वेव प्रोपेगेशन, और तीसरा होता है स्पेस वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। इसके थ्रू इन रेडियो वेव्स, अल्टीमेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी, रेडियो वेव्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो रेडियो वेव्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन हमारी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच रही है। तो एक ट्रांसमीटर होता है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा, फिर एंटीना होता है जिस जगह पर जो बंदा है वहां अगर इंफॉर्मेशन मिल रही है तो इसका मतलब रिसीवर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सिंपल इंफॉर्मेशन ऐसे मिल जा रही है, ऐसा नहीं होता है, इसमें बीच में डिस्टोर्शंस भी होते हैं, नॉइज भी क्रिएट होती है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में इस मेरी जो वॉइस है इसको मिलाया जाता है और फिर इस इंफॉर्मेशन को दूर तक पहुंचाया जाता है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो यहाँ हमारे कोर्स में जो मॉड्यूलेशन है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो मैंने पहले बोला कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा वॉकी टॉकी लेवल पर, यानी आप ज्यादा दूर तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते हो, तो वो होता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। उसके लिए एंटीनाज भी, छोटे छोटे एंटीनाज होते हैं, बड़े एंटीना नहीं होते हैं, अभी तो खैर खत्म हो गया वो वायरलेस, जो पहले इंफॉर्मेशन वायरलेस सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, जिसमें पतला सा वायर हुआ करता था, वो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन है, उसके थ्रू होता है। दूसरा होता है स्काई वेव प्रोपेगेशन, और तीसरा होता है स्पेस वेव प्रोपेगेशन। तो अभी जैसे ग्राउंड वेव स्काई वेव प्रोपेगेशन की बात करूं तो एक तरह से ये समझो कि जो जैसे एफएम रेडियो चलता है, तो एफएम रेडियो का भी अपनी एक रेंज है, मालूम है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हमें मान लो एक कंट्री से दूसरे कंट्री इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो क्या करते हैं हम लोग वहां, फिर उस केस में स्पेस वेव प्रोपेगेशन जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ठीक है। तो पहले इसी के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सा प्रोपेगेशन होता है। एक तो होता है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, तो ये लेस देन फ्यू मेगाहर्ट्स। फिर है हमारे पास में स्काई वेव प्रोपेगेशन, ये होता है फ्रॉम फ्यू मेगाहर्ट्स टू 30 मेगाहर्ट्स, है ना, 240 मेगाहर्ट्स, इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इससे इसके थ्रू पहुंचाई जाती है। तीसरा हमारे पास में स्पेस वेव प्रोपेगेशन, तो इसका होता है अबव 40 मेगाहर्ट्स, ओके। तो ये मेन तो एक पॉइंट ये याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जैसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर भी यूज करते हैं,
है ना, कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर भी यूज होता है, जिसमें मेरी वॉइस को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सिग्नल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है ऑप्टिकल सिग्नल में, फिर ये जाएगा और फिर ऑप्टिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है साउंड एनर्जी में। तो ये प्रोसेस है, इसमें कई सारे मतलब डिवाइसेस यूज होते हैं। क्वेश्चन इसमें सिर्फ आप 2019 और 2020 के ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और इस बार जो क्वेश्चन आए होंगे वो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो पुराने वाले क्वेश्चन नहीं करने है ना, क्योंकि वो वैसे भी आपके बोर्ड में तो नहीं, इन्होंने मेंस में एक क्वेश्चन आता है और मे भी मेरे ख्याल से कई बच्चों के तो उसमें आए न्यूमेरिकल वैल्यू में आया है, तो बच गए, कुछ बच्चों के इसी में आ गया 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन सिंपल था, जो बता रहा हूँ वही तैयार करना है, 2019-2020 के क्वेश्चन करने आपको। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, मैंने कहा कि मैं मेरा जो सिग्नल मैं जो बोल रहा हूँ ये, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हमें मॉड्यूलेशन में ले जाना है, यानी मॉड्यूलेशन करना है इसका। तो एक होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी एक्स एम इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा एम टी, इसकी फ्रिक्वेंसी जो कि काफी कम है, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी फ्रिक्वेंसी काफी कम है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी एक्चुअली में हम जब भी सिग्नल की बात करेंगे तो हम वोल्टेज के टर्म में बात करते हैं, तो यानी जो वोल्टेज है वो उस ये है ए एम, उसका एम्पलीट्यूड ये है, ठीक, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अच्छा, इसमें स्पेस वेव प्रोपेगेशन में एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा अभी मैं, उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है, जिसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन, अभी उस पॉइंट पर आऊंगा मैं, पहले ही बता देता हूँ। इसको बोल क्या लिखता हूँ, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। और इसको इसको क्या करते हैं हम लोग, जो कैरियर वेव जिसको लेके जाता है, वो जाएगा xc इक्वल टू ac साइन ओमेगा c इंटू टी, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि एंटेना की जो रेडिएटिंग पावर होती है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो एल बाई लेमडा का होल स्क्वायर होता है, अभी बता दूंगा मैं, आऊंगा उन फॉर्मूला पे बात करूंगा। तो यहाँ क्या करते हैं, दरअसल कैसे मॉड्यूलेशन करते हैं, जो एम्पलीट्यूड है इसका कैरियर वेव का, इसके एम्पलीट्यूड में इसके एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई किया जाता है। कैसे मॉडिफाई किया जाता है, ये लिख लिया पहले ऊपर का यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको भी, तो यहाँ दरअसल हम लोग लिखते हैं इसको एक सी इक्वल टू लिखेंगे ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी ओमेगा सी टी, यानी जो कैरियर वेव उसके एम्पलीट्यूड को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, इसको समझ लो। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो ये हमारे पास में इसको बोलते हैं कैरियर वेव, जिसको कैरी करके लेके जा रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, एसी को बाहर लेंगे तो मिलेगा वन प्लस ए एम बाई ए सी साइन ओमेगा एम टी इन टू साइन ओमेगा सी टी, या इसको हम लोग लिखते हैं एसी वन प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ म्यू को क्या बोलते हैं, तो म्यू को हम बोलते हैं ए एम बाई ए सी को मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ये होगा लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हटा दो भाई ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दरअसल हम लोग ए सी साइन ओमेगा सी टी
प्लस ए सी म्यू साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से इसका कॉन्सेप्ट आता ही है। तो एक्स सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ये क्या लिखोगे आप म्यू ए सी बाई टू, क्या लिखोगे कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा टी, ये समझ में आ रहा है, ये लिख सकते हैं इसको ऐसा। हाँ सर, लिख लो तो इसको पहले। तुम्हारे पास में xc इक्वल टू आ गया ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस, इसको इधर लिख लेते हैं, तो माइनस म्यू ए सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। तो यहाँ दरअसल मैं बात करूंगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की, इस पे भी क्वेश्चन आया था इस बार नहीं, आते ही रहते हैं। दो फॉर्मूले इसके हैं, एक तो ये म्यू इक्वल टू ए सी एम बाई ए सी है ना, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तो क्या होगा, ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ, तो ये ग्राफ है इसका, ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये और ये और ये, इसको बोलते हैं ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है दरअसल, और यहाँ होगा हमारे पास में ओमेगा सी और यह होगा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ये होगा म्यू ए सी बाई टू और ये होगा ए सी, ठीक है। तो यहां इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ इसका कितना आ रहा है, तो आ जाएगा टू ओमेगा एम, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, अगर फ्रीक्वेंसी में बात करूंगा तो है ना, तो ये आ जाएगा दरअसल टू एफ एम, क्यों, क्योंकि एफ एम को क्या लिखूंगा टू पाई, सॉरी डब्ल्यू एम को क्या लिखूंगा टू पाई एफ एम और डब्ल्यू सी को क्या लिखेंगे टू पाई एफ सी। तो बैंडविड्थ की जब बात करेंगे तो ये भी होगा, अगर फ्रीक्वेंसी में दिया है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में दिया तो ये हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है, क्लियर, ये लिख लो पहले। तो यहां क्या होता है कि एक बैंडविड्थ दी जाती है, कोई भी कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर होती है
उसको एक बैंड विड्थ दी जाती है, उसी बैंड विड्थ के अकॉर्डिंग ही उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। जब दूसरी कंपनी आएंगी जैसे एयरटेल की बात करेंगे तो उसको ये बैंड विड्थ दी जाएगी, दूसरे वाले को दूसरी बैंड विड्थ दी जाती है, और ये ओवरलैप नहीं करती है। अगर ओवरलैप करेगी तो एयरटेल वाला जियो में बात कर रहा है तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक की अपनी एक बैंडविड्थ दी जाती है। अब इसमें एक चीज और है कि ये जो मैंने दोनों को मिलाया तो दरअसल यहाँ क्या होगा, एक ग्राफ ये भी याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। दरअसल ये होता है एसी प्लस एम, जिसको हम बोलेंगे एम एक्स, ये होता है एसी माइनस एम, इसको बोलते हैं एम मिनिमम, है ना, और उसी तरह माइनस एम मिनिमम और माइनस एम एक्स। तो यहाँ क्या होता है कि ये इस तरह से सिग्नल होता है, तो ये आप यहाँ देखो, दरअसल ये जो आपको पीक्स मिल रहे हैं ना, ये उसके बाद रिपीट कर रहा है, तो दरअसल ये क्या है, ये दरअसल टीएम है, मतलब 2πfm इक्वल टू ओमेगा एम, है ना, यानी 2π/tm है। और ये जो अंदर है ना, ये क्या है, क्योंकि ये कैरियर वेव को इंडिकेट कर रहा है, ये ध्यान रखना है। तो अंदर अगर मान लो जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके वापस यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा सॉरी, तो ये जो होगा ना, ये होगा टीसी, यानी ओमेगा सी इक्वल टू 2πfc इक्वल टू 2π/tc। और यहाँ जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आप लिखोगे वो लिखोगे एम एक्स माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाई एम एक्स प्लस ए मिनिमम, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। अभी आप रख के दो को एम एक्स ए मिनिमम, अल्टीमेटली क्या रहा है, ये ए एम बाई ए सी मिल जाएगा। तो जो थोड़ा सा और बचा है वो टीएम है, हाँ तो टीएम क्या बोला आपने, टीएम टाइम पीरियड हो गया ना इसका, ये है ना ओमेगा एम, ओमेगा एम इक्वल टू क्या लिखो 2π/tm, यानी एक तरह से उसका टाइम पीरियड हो गया ना, और एक कैरियर वेव के लिए टाइम पीरियड हो गया टीसी।
मॉड्यूलेटेड वेव है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। चलिए फिर आज इतना ही। हेलो सर। हाँ बोलो सर, 11th का कब करोगे सब? इलेवेंथ का क्या सर? इलेवेंथ का सीट हो सब कब करना है? हाँ इलेवेंथ का करेंगे, इसके बाद ही करेंगे, ये होता जाएगा। तो सर मार्च के बाद करोगे क्या, मतलब उसके पहले? नहीं, वो तो करूँगा तो मैं सारे इलेवेंथ वाले भी, मतलब वो तो चलता रहेगा वो तो। अगर अभी हो गया इसके पहले, एग्जाम के पहले तो कर दूंगा, नहीं हो तो एग्जाम के बाद तो करूंगा ही मैं। ठीक है सर, करवाना तो है मुझे, क्योंकि इलेवंथ का तो इतने टेस्ट हो गए ना, इतना कुछ हो गया, ट्वेल्थ का उतना कुछ हुआ नहीं, तो मैं पहले ये करवा रहा हूँ इसलिए मैं। और ये वही टॉपिक करवा रहा हूँ जो मतलब आपके आते ही क्वेश्चन, मेंस के पर्पस से सारे जितने टॉपिक मैंने करवा रहा हूँ ना पहले, ये इम्पोर्टेंट है सारे टॉपिक मेंस के लिए। चलिए फिर ठीक है, ओके, आप लोग जाइए, अभी इलेवंथ की क्लास है दरअसल। आप इलेवंथ वाले वापस से ज्वाइन करिएगा भी, है ना? ठीक है।